क्लास 10th और 12th प्रैक्टिकल प्री बोर्ड एग्जाम, पूरी जानकारी ए टू जेड जानकारी। चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने वीडियोस देते हैं उतना पढ़ करके अगर एक कमजोर बच्चा है जाएगा तो वो भी पास हो जाएगा। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी मैं दूंगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों वालों को, पूरा एग्जाम तक की जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज, और ये यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट 2024 की प्रयोगात्मक परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ। अभी 2024 इंटरमीडिएट का है, नीचे आपका आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दो चरणों में आयोजित होगी परीक्षा। पहला चरण कब से शुरू होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप बहुत प्यार से देख पा रहे होंगे, पहला चरण 25 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक होगा। पहले चरण में आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, लखनऊ है, झांसी है, चित्रकूट है, फैजाबाद भी इसी में है, आजमगढ़ भी है, देवीपाटन और बस्ती मंडलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी आयोजित, ठीक है ना। तो इतने जिले का, ठीक है ना, पहले चरण में होगा, इतने मंडल का, ठीक ना, इतने मंडलों का पहले चरण में आयोजित होगा, ठीक है। आप जान रहे हैं किस मंडल में है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए। चलिए आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि द्वितीय चरण की 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच होगी, ठीक ना। द्वितीय चरण का जो प्रैक्टिकल होगा वो 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होगा। तो आप सीधे सीधे जान जाइए कि परीक्षा 15 फरवरी के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तुरंत खत्म होने के बाद एग्जाम नहीं शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो पहला आपने देख लिया है 25 जनवरी से 1 फरवरी तक, और दूसरा 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो जरूर शेयर करिए जिससे किसी को, हाँ यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिएगा कुछ चीज़ें। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर आवश्यक जानकारी, परीक्षकों की नियुक्ति की सूचना, मतलब जो हम लोग की ड्यूटी लगेगी, जो प्रैक्टिकल लेने वाले ड्यूटी, उनकी सूचना है यहाँ पे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं होंगी, अगले बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। जैसे बीएससी और ग्रेजुएशन वालों को होता वैसे इस बार तुम लोग का होगा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और डीवीआर प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक ना। जब तक आप पास नहीं जाते तब तक वो अच्छे से रखा जाएगा। अच्छा, मांगे जाने पर उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और यूपी बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा, मतलब मांगने पर उसको सेफ रखना पड़ेगा। अब हाई स्कूल वाले ध्यान से देखें, हाई स्कूल वालों के लिए क्या चीज़ है विशेष सूचना, हाई स्कूल वालों के लिए है यहाँ विशेष सूचना। हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पिछले वर्ष की तरह विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर होगी। माने आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और अच्छे से प्रोजेक्ट बनाइएगा, जितना स्कूल वाले कहें उतना सुनिएगा, क्योंकि वो आपके टीचर हैं और आप हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो आप उनकी बातों को मानिए और कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मतलब इनके लिए प्रिंसिपल बताएंगे कि कहाँ पर होगा। जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल बताया कि हमारा स्कूल यहाँ से अटैच है, तो वहाँ पर जाकर उनको प्रैक्टिकल देना होगा हाई स्कूल वालों को। और देखिए ध्यान से, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों देखें, हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा के आधार पर होगा, ठीक ना। मतलब आपका नैतिक खेल का एक स्पोर्ट्स वाला पेपर भी होगा, सबको देना पड़ेगा, 10th वालों को भी देना पड़ेगा, 12th वालों को भी देना पड़ेगा। उसका नंबर नहीं जुड़ता है, उसका ग्रेड मिलता है। उसका क्या मिलता है? ग्रेड मिलता है। इस दिन आप नागा ना करें प्लीज। इंटरमीडिएट की खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालयों के प्रधानाचार्य के माध्यम से यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ज़्यादा किसी टीचर से अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधक टीचरों से, क्योंकि वो जो है उनके पास, प्रधानाचार्य के पास होता है अपलोड करने का, और ऑनलाइन वही अपलोड करेंगे, ठीक है ना। अब जो नंबर वो देंगे वही अपलोड होकर के आएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे वो चीज़ तो बता दी, अपलोड किए जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ 10 जनवरी से शुरू होगा और इसी पर जो है क्रियाशील हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्या दिया गया यहाँ पर, प्री बोर्ड की जानकारी लीजिए। विद्यालय स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं और कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 13 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। मतलब 22 जनवरी तक आपका पेपर हो जाना चाहिए। 9 और 11 की जो ईयरली एग्जाम है वो भी हो जाएगा, और 10 और 12 का जो प्री बोर्ड है वो भी इसी में हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
और यहाँ पे ये जानकारी किसने दिया है, सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी ने दिया है। तो मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत समझ में आया होगा, वीडियो को पूरा देखा करें, एक एक पॉइंट सुना करें, ठीक ना, जिससे एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो, एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को जरूर दोस्तों को शेयर करें, जिससे हर एक दोस्त का मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।